संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवक का तो जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। राजा जी कोतवाली रिंदा निवासी एक युवक का शव सोमवार सुबह घर के कमरे में फंदे के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली रिंदा पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए रिंदा भेज दिया। कोई मामला हत्या का है या आत्महत्या का, पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। बता दें कि भिंडा कोतवाली अंतर्गत सदर बाजार के रजा नगर मोहल्ला निवासी सोनू का शव घर के अंदर फंदे के सहारे लटका मिला। जब घर वालों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वही घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। वही लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली भिंडा पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतार कर पंचनामा भर कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिंडा भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक सोनू फर्नीचर की दुकान में काम करता था और आज सुबह उसका शव घर के अंदर फंदे के सहारे लटका पाया गया। अब ये हत्या है या आत्महत्या, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलुओं से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती जनपद के बिंदा सदर बाजार के रजा नगर मोहल्ले से, जहाँ पर सोनू नाम के व्यक्ति का घर के अंदर फंदे से लटकता शव उसका पाया गया है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिंगा भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस खबर से जुड़ी आगे की जानकारी जैसे भी हमको मिलती है हम आपको पल पल दिखाते रहेंगे। तो ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रावस्ती टुडे न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।